याद करिए बीते साल अप्रैल मई के महीने को, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बीमार हुए लोगों के फेफड़े पर वायरस ने अटैक किया, सांस लेना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं? क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा के मुकाबले हल्के हैं? डेटा आ रहा है वह एक राहत देने वाली बात यह है कि यह जो है माइल्ड है उस डेल्टा के तुलना में देखा जाए अब तक का डेटा की बेसिस पे कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया, साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने बकायदे रिपोर्ट इसकी जो है प्रकाशित की, कुछ यूके से पेपर भी पब्लिश्ड हो गए, एक्सपेडाइट रिव्यू में उन्होंने प्रीप्रिंट मीडिया में डाला हुआ है कि वह जो है 60-70% तक जो है कम यह है देखा जाए तो हमारे डेल्टा के तुलना में। अब आपको जानना जरूरी है क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, क्योंकि सारे के सारे रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल थे। All patients recovered very well, except few. तो क्या अल्फा और डेल्टा के मुकाबले फेफड़े पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन? लेकिन हम बात कर रहे हैं तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे डेल्टा थे अल्फा थे जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज्यादा नहीं करता है, दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है इसको सबसे अच्छा स्टडी जैपनीज ने किया है, जैपनीज ने पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनेकिया बनाता है, जैसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनेकिया बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए जल्दी स्प्रेड करता है। ओमिक्रॉन से संक्रमण ज्यादा है, अस्पताल जाने की नौबत कम, फिर भी सावधानी क्यों जरूरी है? ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का, बट ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट नो है। अगर डेल्टा वेव में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा अफेक्ट करता है तो इसमें एक या दो है। अपनी इंडियन पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर 1000 मेहमान भी लें एक ही पेशेंट प्रभावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेलम्ड हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफिल हो सकते हैं, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर अस, इसीलिए आप मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, हाथ धुलते रहिए, सावधानी ही बचाव है।